बिग बॉस सीजन 15 के घर में आखिरकार सीजन 13 के आसिम रियाज के बारे में क्या कुछ बड़ी बात कही है तेजस्वी प्रकाश ने। वेल, क्या कुछ हुआ है लाइव वीक के दौरान, क्या बातचीत हुई है, पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं बिग बॉस सीजन 15 के घर में जहाँ उमर रियाज अब तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा दोनों से ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, वहीं पर तेजस्वी प्रकाश की बातें कुछ ऐसी निकल रही है जिसे कि करण कुंद्रा बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश कहते नजर आई हैं कि कहीं ना कहीं ये आसिम रियाज को कॉपी कर रहा है, क्योंकि सीजन 13 में आसिम रियाज ने भी कुछ ऐसा ही गेम प्ले किया था और उसने अच्छी खासी दोस्ती निभाई थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, लेकिन आखिरी वक्त में फिर उसने सिद्धार्थ से डिस्टेंस मेंटेन करने लगे थे। वेल, इस बात को सुनकर करण कुंद्रा उमर रियाज को करते हैं सपोर्ट और कहने लगते हैं तेजस्वी प्रकाश को कि देख, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी अभी अपनी इंडिविजुअलिटी इस तरह से नहीं खोना चाहता है, वो अपने आप को इस तरह से कॉपी नहीं कर सकता है, तो देखना ज़रूर कोई और बात है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है क्योंकि वो नहीं चाहता है, पर्सनली खुद भी नहीं चाहता है कि वो अपने भाई को स्पेशली कॉपी करे, ताकि कल के दिन ऑडियंस के साथ साथ बाकी लोगों को भी बोलने के बात मिल जाए कि उमर रियाज ने आखिरी फिनाले तक में कर लिया था अपने छोटे भाई आसिम रियाज को कॉपी और उनके स्ट्रैटेजीज और गेम को कॉपी। वेल, कहीं ना कहीं उमर रियाज के बारे में अब भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं करण कुंद्रा। करण कुंद्रा के दिमाग में अभी भी उमर रियाज के लिए पॉजिटिव बातें हैं, वो करण कुंद्रा उनसे बात नहीं भी कर रहे हैं, उमर रियाज करण से बात नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करण कुछ भी खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं उमर रियाज के। वेल, आपका क्या कुछ कहना है इनकी बातचीत को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।